ये शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई है। कक्षा एक के मासूम छात्र को क्लासरूम में ही बंद किया गया है। मासूम को बंद कमरे में छोड़ स्कूल का स्टाफ अपने घर चला गया। छुट्टी के दौरान छात्र को क्लासरूम में बंद कर स्टाफ भूल गया। शाम को बच्चे के रोने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कक्षा एक का ये बच्चा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक मामला है। स्कूल का टीचर से अरे भैया तो गजब ड्रामा है, देखो यार उसको बच्चों को बंद। और जब बच्चा रोया उसकी आवाज बाहर लोगों तक पहुंची तब उसे बाहर निकाला गया है। चल आंजा ढोका सा। इसी खबर पर बलिया से हमारे संवाददाता विवेक जायसवाल जुड़ गए हैं। विवेक, काफी हैरान करने वाला मामला है। स्टाफ घर चला गया और किसी को कोई जानकारी नहीं कि बच्चा क्लासरूम के भीतर बंद है। जी, आपको बता दें ये वहाँ के शिक्षक अध्यापिका साथ साथ वहाँ के जो केयर टेकर हैं सबकी इसमें लापरवाही है। और जब मौके पे पहुंचा गया तो उनका कहना है कि बच्चा बेंच के सबसे पीछे वाले जिसमें बैग रखा जाता है उसमें बच्चा सो गया था, जिसके वजह से नहीं दिख पाया। लेकिन सवाल यह है कि आप पूरे विद्यालय कैंपस को ठीक से चेक करके बंद करना चाहिए था, उसके बाद भी ये लापरवाही हो गई। खबर का असर भी ये हुआ है कि मौके पे खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं और पूरी बारीकी से जांच कर आख्या रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी उच्च अधिकारी को पेश करेंगे। जी, इस पूरे मामले पर जो बच्चा है उसके घर वालों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी किसी तरह की मांग है? उस बच्चे के अभी घर वालों से बात नहीं हो पाई है। बच्चा आज स्कूल में नहीं आया है, विद्यालय चल रहा है, वहाँ पे जांच अधिकारी। तो फिलहाल अभी स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जांच की बात सामने आ रही? जी जी सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रिपोर्ट पेश की जा रही है। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो अभी जो बात सामने आई है कि जांच की जाएगी, उसके बाद जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये वो बच्चा है जो क्लास फर्स्ट का है।